नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, इस साल की मच अवेटेड इंडियन फिल्म भारत कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। और दोस्तों, रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग से ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस साल की फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म अपने पहले ही दिन बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे और इस फिल्म को एडवांस बुकिंग से ही इतनी ज़्यादा कमाई करवा दी है कि ये फिल्म अपने पहले ही दिन बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और जानने वाले हैं कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि एक कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर की रीमेक है। इस फिल्म में आपको सलमान खान की 17 साल से लेकर 70 साल की जर्नी दिखाई जाएगी, जिसमें आपको कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, तब्बू और सुनील ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जो इससे पहले सलमान खान के साथ सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। इस कारण से दोस्तों, एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर की इस जोड़ी पर ऑडियंस काफ़ी भरोसा दिखा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर को तो काफ़ी पसंद किया गया था, वहीं दोस्तों इस फिल्म के गाने भी ऑडियंस के बीच में काफ़ी चल चुके हैं। तो अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4,500 से ज़्यादा स्क्रीन्स मिल रही है, जो कि सिर्फ सलमान खान का स्टारडम ही है जिन्हें इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलती है। वही दोस्तों, इस फिल्म के साथ क्लेश हो रहा है यहाँ पर हॉलीवुड की बिगी फिल्म एक्समैन डार्क फिनिक्स का। लेकिन दोस्तों, जितने भी इंडिया में सिंगल स्क्रीन्स है, उन्होंने सिर्फ यही डिसीजन लिया है कि यहाँ पर सिर्फ सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत ही चलेगी और ये फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। तो दोस्तों, इस कारण से यहाँ पर सलमान खान की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिल रही है, वहीं एक्समैन डार्क फिनिक्स को मात्र 600 से 700 स्क्रीन्स ही मिल पा रही है। तो अगर बात करें पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन इंडिया में लगभग 38 से 40 करोड़ रुपये की कमाई आसानी से कर लेगी और इस साल की हाइस्ट ग्रोसर फिल्म बन जाएगी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार सलमान खान की पूरी दुनिया भर में काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है और ये फिल्म अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड में लगभग 60 करोड़ रुपए की कमाई आराम से कर लेगी। और इस तरह से ये फिल्म 2019 में रिलीज होने वाली किसी भी इंडियन फिल्म द्वारा सबसे ज़्यादा ओपनिंग ले सकती है। वहीं दोस्तों, बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो ये फिल्म एडवांस से ही अभी तक इंडिया में लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और इस साल की फिफ्थ हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, रिलीज से पहले ही सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। तो ये फिल्म अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है? 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ या फिर 45 करोड़ की? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।